पीटी का सिलेबस है। अब आपको करना क्या है, अब पहले तो मैं क्वेश्चन लगा के ये बात बोल देता हूँ कि मेरी बातें हैं वो फाइनली आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से आप कितना कवर कर पाते हैं उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी है, फाइनल नहीं है ये, ठीक है? क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी है वो जरूरी नहीं है आप पे भी सही बैठे, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि दो सब्जेक्ट लेके चलने हैं दिन में, जो मैं करता था दिन में दो सब्जेक्ट लेके चलने से क्या होता है कि एक तो मोनोटोनस शेड्यूल होता है ना जब अपना एक आया में, तो बोरियत महसूस होती है, जैसे सुबह से हिस्ट्री पढ़े, एंशियंट एंशियंट एंशियंट, क्या यार ये आ रहा है, ये गुप्ता आ रहे हैं, चोल आ रहे हैं, वापस चोल आ गए, ये क्या सिस्टम है, तो क्या है कि परेशान हो जाता है। तो एक हिस्ट्री ले लो, उसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंस ले लो, तो क्या है कि हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अच्छा लिंकेज बैठ जाता है। उसके अलावा ज्योग्राफी ले लो, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेंगे ना, तो हिस्ट्री में जैसे कहाँ से अटैक हुए, गोलन दर्रा, खैबर दर्रा, तो हमें क्या आइडिया लगता है कि अच्छा यहाँ पे जगह थी इसलिए वो लोग आ गए, और आपके दिमाग में एक स्टोरी चलनी चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने का बोलते हैं। स्टोरी चलती है तो हमें आइडिया होता है कि कैसे लोग आए थे, है ना? तो इस तरीके से दो सब्जेक्ट आप लेके चलो। और एक चीज और, जैसे आप रोज खाना खाते हो वैसे एक डेढ़ घंटा डेली करंट को आपको देना है, चाहे आप वो न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे फिर ऑनलाइन कोई वेबसाइट खंगालें, या फिर कुछ भी जो आपको लगता है, कुछ मतलब ऑडियो वगैरह कुछ सुनते होंगे, या कोई जिस्ट आते होंगे, जैसे एनालिसिस होते हैं ना अखबारों के, तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि एक डेढ़ घंटा आपको करंट को देना ही है, ये बांध लो, जैसे आप टूथब्रश करते हो ना सुबह सुबह, तो वैसे ही आपको अखबार या जो भी करंट का है वो पढ़ना है। ये तो मतलब कंपल्सरी चीजें हैं जो आपको करनी करनी है, दो सब्जेक्ट लेके चलना है। और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करें तो दो तीन महीने बाद में, जब आपने मतलब प्रीलिम्स की नहीं, जब आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, दो तीन महीने बाद में आपका ऑप्शनल पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। उसकी अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग कर लो, और अगर नहीं करनी है तो सेल्फ आपको पूरा का पूरा तैयार करना है ऑप्शनल, है ना? क्योंकि ये मत सोच के बैठना कि प्रीलिम्स के बाद में ऑप्शनल डिसाइड करेंगे और उसको तैयार करेंगे, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा प्रीलिम्स के टाइम पे, है ना? तो ऑप्शनल प्रीलिम्स से कम 3 या 4-5 महीने पहले तक आपका एक बार कवर होना चाहिए उसके।